चाट मसाला जो नहायत ही मज़ेदार बनता है, बिल्कुल बाजार की तरह बनता है। आप ट्राई कीजिएगा, चीज़ें नोट कर लें आप। सबसे पहले हमने ज़ीरा लिया है, ये ज़ीरा 3 खाने के चम्मच, बड़े खाने के चम्मच, ये वाले 3 खाने के चम्मच भर के। साथ सूखा धनिया लिया है, ये भी 3 खाने के चम्मच भर के। अजवाइन लिया मैंने 1 टेबल स्पून, छोटा चम्मच नहीं होता ये वाला, चाय वाला, 1/2 टेबल स्पून। टाटरी ली है 1/2 टेबल स्पून। नमक लिया मैंने भर के, बड़ा खाने वाला चम्मच, 1 टेबल। ये दादर मिर्च है, जो दड़ा मिर्च भी कहते हैं, ये मैंने भर के लिया 1 चम्मच खाने वाला। सादा नमक है 1 टेबल स्पून। 14 से 15 काली मिर्चें हैं, काला नमक है काला। अब चाट मसाला बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आग जला लिया नीचे, ऊपर फ्राई पैन रख लिया, तवे पे भून सकते हैं, फ्राई पैन में जिसमें मर्जी आप भून लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ीरा डालेंगे, सूखा धनिया डालेंगे और इनको रोस्ट कर लेंगे। मैं तब तक रोस्ट करना जब इसकी खुशबू आने लग जाए, फिर आपने बंद कर देनी है। अच्छा रोस्ट करना है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3-3 टेबल, बड़े चम्मच नहीं होते खाने वाले, जे वो हैं 3 चम्मच, 3-3। अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। माशाल्लाह, ये देखें हमारे रोस्ट हो गए, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसे, इसमें से थोड़ा सा हो जाता है, इसे बंद कर देते हैं। माशाल्लाह हो गया हमारा रोस्ट, अब इसे बंद कर देते हैं। इसी में अब हम अजवाइन डालेंगे हल्की सी, ये भी हो जाए हल्की सी, करनी इसे ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा बस। बंद करके आग ने इसको डाल दिया, इसमें अब काली मिर्चें भी डाल देंगे, ये भी हल्की हल्की हो जाए, ये हो जाएगी ना तो आपको ना पीसने में आसानी हो जाएगी, जल्दी पीस जाएंगे। बस सब हो गया मैम, ये हमने डाल दी हैं चीज़ें, अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और जो काला नमक है ना, जो इस ये भी इसमें डाल दें, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती हैं, ताकि वो भी ना इसमें सही हो जाए। सारा डाल दें इसमें, अब हम इसे पीस लेते हैं बंद करके। चलो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखा हमारा चाट मसाला हमने पीस लिया। अब हम इसमें डाल लेंगे दड़ा मिर्च, बड़ा चम्मच भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सादा नमक है, काला नमक मैंने इसमें डाल दिया था, ताकि वो भी ग्राइंड हो जाए अच्छी तरह, मिक्स हो जाए इसमें। इतना देखने में मज़े अच्छा लग रहा है, खाने में भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई कीजिएगा, चाट पे डाल लें, दही भल्लों में डाल लें, पकौड़ों पर डाल लें, समोसों पर डाल लें, बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही नहायत ही मज़ेदार बनता है। ट्राई कीजिएगा हमारा चाट मसाला, देखें कितना प्यारा है, जितना देखने में प्यारा लग रहा है, खाने में नहायत मज़ेदार है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चाट मसाला तैयार है।
अब हम इसको जार में डाल देते हैं। इस तरह का आप जार ले लें, कोई भी ले लें, इस तरह का जार ले लें और उसमें महफूज कर लें। दो तीन माह ये आपका ख़राब नहीं होगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना है, जितना देखने में प्यारा लग रहा है इतने खाने में मज़ेदार है। ट्राई कीजिएगा आप, घर का चाट मसाला बहुत अच्छा बनता है।